हाय एवरीवन, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो, मेरे पास है यहाँ पे एक मोनोब्लॉक वाटर पंप जो कि टेक्सुमो कंपनी का है और ये 0.5 एचपी 1420 आरपीएम का है। तो ये जो मोटर है ये पानी के अंदर डूब गया था जिसकी वजह से उसका वाइंडिंग जल गया था और जो पंप है वो भी खराब हो गया। अभी देख सकते हो जाम है ये मोटर क्योंकि पानी में डूब गया था ये। तो इस वीडियो में हम इसका पंप रिपेयर करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इसका वाइंडिंग आपको बताया था किस तरह करना है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोटर को खोल दिया है और इसका जो पंप है वो बाहर निकाल दिया है। देखिए रोटर मैंने जो है बाहर निकाल दिया है और इसके अंदर आपको पानी भी दिख रहा होगा गया हुआ, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट बेरिंग है वो ख़राब हो गया। बेरिंग भी यहाँ पे चेंज करना होगा और इसका जो पंप है वो भी रिपेयर करना होगा। तो ये हमारा पंप है, अभी एक बार देख लेते हैं इसे। यहाँ पे पूरा अटक अटक के चल रहा है क्योंकि बेरिंग के अंदर पानी जाने की वजह से जो छर्रे है उसके वो जंग खा गई है। तो इसे खोलने के लिए हमें जो है 13 नंबर का यहाँ पे पाना ले लेना है और यहाँ पे जो इसके बोल्ट लगे हैं फ्रंट में वो आपको खोल देना है। यहाँ पे जितने भी बोल्ट लगे हैं, इसमें 5 बोल्ट लगे हुए, उसे भी आपको जो है ओपन कर देना है। उसके बाद में हमें जो यहाँ पे एक मार्कर लेना होगा, आपको डायरेक्टली नहीं खोलना है, पहले मार्कर से यहाँ पे मार्क कर देना है ताकि हमारा जो डायरेक्शन है वो कटोरे का यानी कि जो पार्ट है उसके पंप के वो चेंज ना हो। फिर आपको जो इसका सामने वाला जो पार्ट है वो निकाल देना है। उसके बाद में देखिए अंदर हमारा यहाँ पे एम्पलर दिख रहा है हमें जो कि ब्रास का है और इसका देखिए एम्पलर साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो टेक्सुमो कंपनी के मोटर आते हैं इसके एम्पलर साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इसका जो पानी खींचने का जो ताकत होती है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके एम्पलर बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे जो नट के अंदर फिट किया हुआ है ये एम्पलर। तो इसे खोलने के लिए हमें जो है 23 नंबर का यहाँ पे पाना चाहिए होगा और इस एम्पलर के ऊपर यहाँ पे देखिए एक नट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रास नट है आपका ये 23 नंबर के पाने से खुल जाएगा। तो ये नट को हम जो है निकाल देते हैं। उसके बाद में हमें जो है एम्पलर को बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारी शाफ्ट है उसको हमें पीछे को ठोकना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लकड़ी के गुटके का यूज़ करूँगा। देखिए आपको कुछ इस तरीके से ठोकना है तो जो हमारा शाफ्ट है यानी कि जो रोटर की शाफ्ट है वो पीछे चल जाएंगे और जो हमारा एम्पलर है वो सामने को आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे ठोक के जो है एम्पलर को बाहर निकाल देता हूँ और आपको ध्यान से ठोकना है, एम्पलर तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एम्पलर को निकाल दिया है और कुछ इस तरीके से फंसा हुआ था, इसके अंदर चाबी से लॉक रहता है ये। और एम्पलर साइज़ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, ब्रास का एम्पलर है ये। और जो हमारा ये एक बीच में एक और पार्ट मिल जाता है इसको भी बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रास का कपलर लगा हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे एक चाबी लगी हुई है। तो हम ये चाबी को निकालना होगा, उसके बाद में हमारा जो कपलर है वो निकालेंगे तो उसमें वाटर सेल आपको दिख जाएगा। वाटर सेल पर इसका चेंज करना होगा हमें क्योंकि जब हम पंप ओपन कर लेते हैं तो उसका वाटर सेल ख़राब हो जाता है। तो ये चाबी थी, इसके अंदर मैंने निकाल दिया, लॉक भी बोलते हैं उसको, ये लॉक निकाल देना है आपको। और यहाँ पे जो ब्रास का आपको दिख रहा होगा ये ब्रास का हमें जो है निकालना होगा। उसके लिए आपको उसी शाफ्ट को दोबारा से किसी दूसरे शाफ्ट की मदद से आपको ठोक देना है तो जो रोटर आपका अलग हो जाएगा। अरे देखिए ब्रास का जो हमारा कपलर है उसके अंदर ये वाटर सील लगा हुआ था तो ये वाटर सील भी यहाँ पे ख़राब हो गया, देखिए इसके अंदर फंस गया। तो इसे निकाल देते हैं पहले बाहर, हमें ये वाटर सील नहीं जो है नई वाली ला के डालनी होगी। उसके बाद में आपका जो ये बेरिंग है जो इसके अंदर लगा हुआ था फ्रंट वाला जिसमें पानी जाने की वजह से ये जाम हो गया था वो भी आपको निकाल देना है। और ये देखिए कपलर जो है कुछ इस तरीके से बटा हुआ था, इसके ऊपर फिर ये वाटर सील लगी हुई थी। तो ये आपको कपलर निकाल देना है, इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे दोबारा से बाद में बिठा देंगे। अभी चलिए मैंने यहाँ पे जो इसका बेरिंग निकाल दिया है, बेरिंग साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, 6304 का इसके अंदर बेरिंग है। नॉर्मली जो मोटर आती है उसमें 6201 का ही बेरिंग आता है, 6202-01, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बेरिंग है, आप देखिए 6304 का बेरिंग है। तो ये बेरिंग भी जो है चेंज करना होगा हमें। तो चलिए मैं यहाँ पे वाटर सील और बेरिंग नया ला लेता हूँ। तो ये रहा हमारा नया बेरिंग और वाटर सील। जो वाटर सील है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये जो कंपनी का वाटर सेल है जो मेरे पास है ये बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि कभी लीक नहीं मारता है, मैं हमेशा इसी वाटर सेल का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसे हमें जो है मैं बॉक्स में हमको एक वाटर सेल देखने को मिल जाएंगी और इस पर जो कीमत है वो देखिए 150 का मुझे मिला है, 150 का है। और इसके अंदर हमको एक वाटर सेल मिल जाएंगी और एक यहाँ पर स्टोन मिल जाएगा पिंक कलर का। तो यहाँ पर ये हमारा वाटर सेल आ गया। जो इसका टाइप है वो ओपन टाइप है, क्लोज का जो अलग आता है, क्लोज में एक आपको कवर देखने को मिल जाएगा लेकिन इसका जो टाइप है वो ओपन है। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टोन दिख रहा है आपको ये नया वाला डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो पुराने वाला है वही हमारा चल जाएगा, वो कभी ख़राब नहीं होता है स्टोन, वो पत्थर का रहता है। तो यहाँ पे मैं जो है नया स्टोन नहीं डालूंगा। उसके बाद में हमारा जो बेरिंग है ये भी निकाल देते हैं। मैंने जो यहाँ पे बेरिंग लाया है वो NBC कंपनी का लाया है, स्केप और NBC जो है ना हमारा बहुत बेस्ट होता है बेरिंग, ये आवाज़ वगैरह नहीं करते। तो इसमें पहले जो है कंपनी की तरफ से स्केप का डला हुआ था लेकिन यहाँ पर मैंने NBC का बेरिंग लाया है। तो यहाँ पे देखिए साइज इसका कितना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे मैच भी कर लिया है, साइज़ हमारा जो है परफेक्ट आया यानी कि बराबर है। सबसे पहले हम यहाँ पे बेरिंग बिठा देते हैं रोटर के शाफ्ट में। तो इस शाफ्ट में आपको कुछ इस तरीके से बेरिंग रख देना है, उसके ऊपर एक आपको पाइप ले लेना है और वहाँ पे देखिए आपको हैमर के जरिए थोड़ा धीरे धीरे ठोकना है तो हमारा जो बेरिंग है वो अच्छे से बैठ जाएगा
और बेरिंग आपको ऐसा बिठाना है जो हमारा रोटर है उसके सीट में अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए, 1.5 mm का भी गैप नहीं रखना है आपको, एकदम फेस टू फेस को बिठा देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, देखिए बेरिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब इस रोटर को चलिए हम उसमें फिट करते हैं, लेकिन रोटर फिट करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका एक पैकिंग बनाना होगा। जो हमने कवर निकाली है, इसके जो पार्ट निकाले हमने बीच में के, तो उसके हमें जो है पैकिंग बनाना होगा, नहीं तो हमारा जो वाला पानी है वो लीक करेगा, पानी नहीं खींचेंगे अपन। तो आपको यहाँ पे पैकेजिंग पेपर ले लेना है। और देखिए काटना कैसा है साइज़ वो देख लीजिए, यानी कि जो शेप है वो आपको इस तरीके से, हमेशा जो है मैं इस तरीके से काटता हूँ। तो देखिए आपको ऐसा ऐसा ठोक के आपको काट लेना है, तो इसका जो एकदम परफेक्ट शेप कट जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सैंपल के ज़रिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ऊपर वाला और एक नीचे वाला दोनों बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है कट कर लिया है। यहाँ पे पैकिंग देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बनी है, और साथ ही यहाँ पे मैंने एक फ्रंट वाली पैकिंग भी बना लिया है, देखिए राउंड शेप में जो है, और ये बीच वाली जो पैकिंग है ये भी आपको इस तरीके से काटना है। तो मैंने वैसे ही काटा जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये रेडीमेड नहीं मिलता है, खुद ही बनाना पड़ता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोटर को फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वाइशर मिल जाएगा, बीच में वाटर सील के और पंप के बीच में यहाँ पे एक वाइशर आता है, जो कि कभी अगर वाटर सील लीक हो जाती है तो पानी बेरिंग में जाने से रोक देता है, तो ये आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आपका वाटर सील लीक हो जाता है तो आपका बेरिंग जो है वो बच जाएगा, मोटर चलने से जो है वो बच जाएंगी। तो उसको आपको देखिए इस पार्ट के बीच में यानी कि रख देना है दोनों के बीच में, और यहाँ पर आपको रोटर जो है वो पीछे से डालना है। तो यहाँ पर आपका जो रोटर और बेरिंग है वो अच्छे तरीके से फिट होने के बाद में जो हमारा वाइशर है वो अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। तो इससे पहले हमें ठोकना होगा, तो सीट के अंदर आपको जो है यहाँ पे बिठाना है बेरिंग अच्छी तरीके से, ज़्यादा नहीं ठोकना है, ना तो क्या होता है जो अंदर स्टोन लगा रहता है वाटर सेल के सामने वो कभी कभी टूट भी जाता है। तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे ठोकना है, कोई लकड़ी के गुटके से आप ज़्यादा काम करिए, फिर जो हमारा फाइबर का जो हैमर आता है उसके ज़रिए भी आप अगर करोगे तो आपका जो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बिठा दिया, इसे सीट के अंदर जो हमारा बेरिंग पूरा वो बैठ चुका है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वाइशर जो था वो भी बैठ गया है। यहाँ पे वाटर सेल अभी जो है हम इसके ऊपर बाद में बैठाना स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए पूरा फ्री हो गया, और यहाँ पे देखिए वाइशर भी मैंने अच्छे तरीके से बैठा दिया। वाइशर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पानी जो है आपका वो अंदर मोटर में जाने से बचाता है। और यहाँ पे देखिए स्टोन मैंने चेंज नहीं किया, आपको पहले भी बताया स्टोन यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टोन कभी ख़राब नहीं होता ये, तो यहाँ पे मैं पुराने वाला ही रहने दूंगा। सिर्फ हमें जो यहाँ पे वाटर सेल ही चेंज करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रास कपलर है उसके अंदर ये वाटर सेल को फिट करना होगा। तो आपको वाटर सेल जो है कुछ इस तरीके से डालनी होंगी। अगर आपसे ये नहीं जाती तो आप क्या करिए, जो हमारा ब्रास जो है उसके सरफेस पे आप थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए, तो ये तो चिकनाहट की वजह से जो है अंदर चल जाएगा। अभी देखिए नहीं जा रहा है, तो मैं इसे जो है बिठा देता हूँ पहले वाटर सील को अंदर। तो ये देखिए वाटर सील को मैंने कपलर में बिठा दिया है, ब्रास कपलर में। अब उसके बाद में जो कपलर है आपको इस शाफ्ट में ऊपर से डाल देना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो वाटर सील है वो स्टोन के ऊपर आ गया है, और यहाँ पर आपको एक लॉक मिल जाता है जो हमने निकाला था, वो लॉक भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो ये लॉक कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठा रहता है, तो यहाँ पे इसको फिट करते हैं। थोड़ा सा लॉक इसमें जो है अंदर के साइड में थोड़ा है कटा हुआ, थोड़ा सा ऐसे जो है हमें लॉक को ठोकना होगा ताकि जो है अंदर पूरा प्रॉपर बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने लॉक को बिठा दिया है, और हमारा जो वाटर सील है वो भी यहाँ पे बैठ चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे पानी डाल के देख लेना है हमारा जो है लीक मार रहा है या वाटर सील। अगर आपका वाटर सील लीक मारता है तो फिर आपको जो है डबल से चेंज करना होगा वाटर सील, नहीं तो फिर आपने कहीं गलती किया होगा। तो यहाँ पे मैं देखिए चेक कर रहा हूँ, आपको कैसे चेक करना है वो देख लीजिए। पहले आपको यहाँ पे पानी डाल देना है, और जो हमने वाइशर डाला था ना उस वहाँ पे जाके आपको देखना होगा वहाँ से बूंद वगैरह गिर रहा है क्या पानी का, यानी कि पानी नहीं निकलना चाहिए वहाँ से। अगर पानी निकलता है तो फिर वाटर सेल वो आपका लीक रहेगा, जिसकी वजह से पंप जो है आपका पानी नहीं खींचेगा। देखिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर राउंड देता था उसको 2-3 राउंड। देखिए मैंने इसको रोटर को घुमाया, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए डबल से यहाँ पर आपका पानी नहीं आना चाहिए, तभी आपका जो वाटर सेल वो एकदम परफेक्ट बैठा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो है इसका जो पैकिंग हमने बनाया था वो लगा देते हैं, क्योंकि इसको फिट करना है अब। तो इसके ऊपर हमें जो है पैकिंग के ऊपर ग्रीस लगा देना है, ताकि इसके अंदर जो है एकदम प्रॉपर ये फिट हो जाए। बिना ग्रीस के अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे एयर वगैरह पकड़ेगा। तो इसके ऊपर आप जो है ग्रीस वगैरह लगा दीजिए, ताकि ये जो है एकदम चिकनाहट की वजह से एकदम फेस टू फेस बैठे। तो यहाँ पर मैंने इसे देखिए लगा दिया है। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है हम वो लगा देते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके डायरेक्शन देख लेना है, हमने जो मार्क किया था, जो मार्कर से मार्क किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट को रख दिया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे किसी फाइबर के गुट की लकड़ी की मदद से इसको थोड़ा सा ठोकना है। यहाँ पे मैं थोड़ा हैमर का यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारा जो ये कवर है यानी कि जो पार्ट है बीच वाला ये बैठ जाएगा। फिर इसके ऊपर हमें जो है एम्पलर लगाना होगा, अच्छी तरीके से इसे बैठा देना है आपको। आप देखिए अभी हम जो है एम्पलर ले लेना है, ये एम्पलर है उसका, और इसे बिठाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा जो चाबी का गाला है उसको मिला देना है,
और आपको कुछ इस तरीके से डालेंगे, देखिए आप बहुत ही आसानी से अंदाज को चल जाएगा ये। अभी आपको लग रहा होगा ढीला है, लेकिन ये ढीला नहीं है, अभी इसे थोड़ा सा अभी जो है हमें ठोकना होगा ताकि ये पूरा फिट हो जाए चाबी के अंदर, फिर उसके ऊपर एक नट आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे एक कपलर रख देता हूँ, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ठोकने के बाद में हमारा जो एम्पलर है एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है। और इसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक नट दिया हुआ रहता है, यानी कि एम्पलर बाहर नहीं निकलना, तो यहाँ पे आपको ये नट भी लगा देना है। 23 नंबर का ये नट को पाना लगता है, ब्रश नट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम ये चलिए नट को जो है टाइट कर देते हैं ताकि एम्पलर हमारा जो है बाहर ना निकले। यहाँ पे जो इसकी परफेक्ट फिटिंग हो जाती है। ये नट टाइट करने के बाद में हमें जो है सिर्फ इसको ऊपर वाला जो कवर है वो ही लगाना है, लास्ट वाला। यहाँ पे पैकिंग वो भी हम डाल देते हैं, पैकिंग को अच्छी तरह से लगाते हैं, तो इसको भी हमें जो है ग्रीस लगाना होगा ताकि ये जो है एकदम परफेक्ट फिट होए अंदर। वैसा अगर लगाऊंगे तो आप ये जो है फिट नहीं होगा, फट जाएगा, यहाँ पे जो है ग्रीस लगाना आपको ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्रीस लगा दिया है, और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से सेट कर देता हूँ उसको राउंड में, और इसके ऊपर हम फिर इसका जो कवर है वो लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लग गया, अब हम जो इसका कवर लेते हैं, फ्रंट वाला जो लास्ट वाला कवर है, फाइनल कवर है ये। और ये लगाने के बाद में देखिए हमारा जो पंप है वो रेडी हो जाता है, लेकिन ये भी जो है इसे अब बोल्ट लगा के पहले टाइट करना होगा। तो यहाँ पे इसके 5 बोल्ट है, 13 mm का इसको जो है पाना लगता है, तो अभी जो है लगा दीजिए। यहाँ पे 5 जगह आपको ये बोल्ट लगा देना है, और आपको यहाँ पे जो फिटिंग करना है पंप की वो देख लीजिए, यानी जब हम नट टाइट करते हैं तो आपको एक साथ सभी टाइट नहीं कर देना है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े आपको सब टाइट करना है। ये तो ऐसा नहीं करना है एक नट फुल टाइट कर दिया फिर उसके बाद वाला फुल टाइट कर दिया, उससे आपका जो सेटिंग बिगड़ जाएगा, एम्पलर जाम हो जाएगा, पंप आपका जो है घूमेगा नहीं, फ्री नहीं रहेगा। तो आपको देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कसना है, और लास्ट में जो है फिर होने के बाद में आपको फुल टाइट अप कर सकते हो। इससे क्या होता है हमारा जो सेटिंग है वो प्रॉपर आ जाता है, और पंप हमारा जो है फेल नहीं होता है। अभी देखिए ये पंप जो है पूरा रेडी हो गया, अच्छी तरीके से मैंने फिट कर दिया। एक बार हम इसे हाथ से घुमा के देख लेते हैं, फिर ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये पंप पूरा रेडी है फिट करने के लिए। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेना है लास्ट में, आपको क्या करना है पंप के अंदर पानी डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। दोनों पाइप में से किसी भी एक पाइप में पानी डाल दीजिए, बस हमारे पंप के अंदर पानी जाना चाहिए। और हम यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं हमारा लीक हो रहा है या नहीं। वाटर सेल के पास से आपको देखना है, यहाँ पे जो वाटर सेल लगा हुआ है हमारा, यहाँ से आपका बूंद बूंद या पानी वगैरह नहीं निकलना चाहिए, एकदम सूखा रहना चाहिए। अगर पानी निकलता है तो फिर आपका पंप जो है वो फेल हो जाएगा, आपने कोई गलती किया होगा बनाने टाइप, तो आपको ये चेक कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पे सब ठीक है, पानी नहीं निकल रहा है, मतलब यानी परफेक्ट बन चुका है पंप। आप सिर्फ इसको मोटर के स्टेटर में फिट करना है, देखिए पानी है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे रेडी है। अब हमें क्या करूँगा, जो हमारा स्टेटर है वो ले लेंगे जिसमें वाइंडिंग रहता है, और इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वाइंडिंग कैसे करना है इस मोटर का, तो आपको वो लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो देखना है तो आपको वाइंडिंग कैसे क्या है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट जो इसका पंप है वो फिट करेंगे। तो स्टेटर के अंदर हम जो ये रोटर को डाल देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं फ्री वगैरह सब ठीक ठाक है, क्लच वगैरह भी इसमें क्लच लगा हुआ है। आप देखिए पंप को देखिए कुछ इस तरीके से आपको आगे को डाल देना है, पहले हम फ्रंट वाला फिट करेंगे। और यहाँ पे आपको इसके जो बोल्ट है वो लगाना होगा, तो यहाँ पे इसको जो है 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए थे, तो चलिए एक एक करके लगाता हूँ। और यहाँ पे भी देखिए आपको जब बोल्ट फिट करते हैं तो एक साथ एक आपको टाइट नहीं करना है, आपको धीरे धीरे यानी थोड़ा थोड़ा आपको चारों टाइट करना है। अगर आप एक फुल टाइट कर देते हो तो वो जाम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट वाला जो है टाइट कर दिया है। अब इसका बैक कवर यहाँ पे देखिए ये लगाना है मुझे, लास्ट वाला जो कवर है इसका, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लगा दिया है कुछ इस तरीके से। और इसको भी वैसे ही फिट करना है, इसके भी हमें जो है 4 बोल्ट मिल जाते हैं 10 mm के पानी वाले, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा। और इसको भी जो है पूरा फुल टाइट नहीं करना है, थोड़े एक एक जो हमारा बोल्ट रहता है धीरे धीरे अलग अलग टाइट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा रेडी है पंप। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, हमारा जो पंप का डायरेक्शन यानी कि जो अंदर एम्पलर घूमेगा वो इस तरह से यानी कि साइड घूमेगा, वो मोटर सेट करता है, यानी कि मोटर में वाइंडिंग वो घूमेंगे किधर, आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मोटर इधर घूमना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पानी हमारा खींचने का जो यहाँ पे आयरो दिख रहा है, आयरो जो है वो नीचे को है, मतलब यानी कि यहाँ से हमारा पानी अंदर को आएगा, यहाँ से पंप जो है वो पानी खींचेगा, और ये वाले साइड में जो आयरो है वो आपके तरफ यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ से हमारा जो पानी वो बाहर जाएगा, यानी कि इधर साइड से पानी खींचेगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से हमारा जो है पानी बाहर निकलेगा। दूसरे मोटर में थोड़ा उल्टा रहता है, लेकिन इस टेक्स मोटर में इस टाइप का दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने सब रेडी है, मतलब लगा दिया है, अब सिर्फ मोटर को हमें जो है ऑन करना है। तो बाल्टी में मैंने पानी वगैरह डाल दिया है, और यहाँ पे पाइप वगैरह भी लगा दिया है इसमें खींचने के लिए, और वापस रिटर्न जब आएगा वाला भी यहाँ पे पाइप लगा दिया है। मोटर को मैंने ऑन किया, यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है, हमारा जो पंप वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से 3 मिनट यहाँ पे आपको चला के देखना है, और बाद में हमारा जो वाटर सेल वहाँ पे हम देखेंगे पानी लीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखना होता है। अभी कभी अगर पानी लीक होता है तो फिर आपको जो है डबल से उसका काम करना होगा। यहाँ पे मोटर एम्पियर वगैरह सही ले रही है, और इस मोटर का वाइंडिंग भी क्या हुआ है तो यहाँ पे वो भी चेक करना था मुझे, एम्पियर इस वजह से मैंने लगा दिया है।
टेम्पर वगैरह ठीक ले रही है, पानी भी प्रॉपर यहाँ पे खींच रही है, और यहाँ पे जो आवाज़ था इसके अंदर वो भी बंद हो गया। वो तो पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ था जिसकी वजह से बेरिंग भी पानी में डूब गए थे, तो वो चेंज करना ही था। तो यहाँ पे जो पीछे का जो बेरिंग था वो सही था, तो पीछे का मैंने चेंज नहीं किया था, सामने का जो है सिर्फ वो चेंज किया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था पानी जाने की वजह से। एक बार दोबारा से हम इसे ऑन करते, और ये देखिए मैंने दोबारा से ऑन किया है और ये मोटर घूम रही है। ये 1440 RPM है, 1420 मतलब 1400 वाले एक ही होता है, वो 20 RPM का फ़र्क है। कनेक्शन भी वही थे इसके सेम 1440 RPM वाले। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है इस तरीके से खींच रही है। ये पंप का जो है ना पानी खींचने का ताकत ज़्यादा होता है, आपको फेंकने का कम दिख रहा हूँ, क्योंकि जो जो पाइप है ना वो पिचक जा रहा है। ये नरम पाइप है ना, इसको चूड़ी वाला पाइप होना जो कड़क पाइप आता है, तो ये इस वजह से ज़्यादा पानी नहीं खींच रही, लेकिन खींचने की जो स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा है और स्मूथ घूम रही है। आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पे जो पानी है मैंने आपको बताया था वो लीक हो रहा है या नहीं, जो हमारा यहाँ पे वाइशर है वहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ से अगर पानी आता है तो आपका पंप वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो पंप है परफेक्ट बना है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी कस्टमर को हम जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पानी ये मोटर जो है पंप खींच रहा है। इसका जो पानी खींचने का जो साइड है ना वो उल्टी साइड दिया हुआ है, दूसरे मोटर में इधर राइट से आता है। अब वो डिज़ाइन के टाइम पे पता नहीं कैसे बनाए इन्होंने। और यहाँ पे देखिए दोबारा से पाइप निकल गया है, लगा देते बाल्टी में, और देखिए पानी आ रहा है। अगर यहाँ पे पाइप अगर थोड़ा मतलब मोटा लगा देते हैं यानी कि कड़क वाला, तो पानी और भी ज़्यादा खींचेंगे। देखिए पाइप यहाँ पे जो पिचक गया, इस वजह से पानी भी ज़्यादा नहीं खींच रही है। तो यहाँ पे जो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और अगर इस मोटर का आपको वाइंडिंग देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और जाके आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।